नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो भी ऑल UAE रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स हैं वो अपने वीज़े का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, उनका वीज़ा स्टेटस जो एक्टिव हो रहा है या कैंसिल हो रहा है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि अपने वीज़े का स्टेटस कैसे चेक करें। अगर एक्टिव शो कर रहा है तो आप जा सकते हैं, अगर एक्टिव शो नहीं कर रहा है तो आप नहीं जा सकते। चाहे अदर UAE रेजिडेंस हो, चाहे दुबई जिसका GDRFA का अप्रूवल नहीं है, वो भी ICA स्मार्ट सर्विस पे ही आपको चेक करना है अपना फाइल वैलिडिटी कि एक्टिव शो कर रहा है तो आप जा सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पंकज। आप देख रहे हो A to Z ऑनलाइन ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सामने बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे। तो गाइस, अब चलते हैं स्क्रीन की ओर। सबसे पहले गाइस, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद में इसको ऊपर आपको टाइप करना है ICA स्मार्ट सर्विस। चाहे मोबाइल हो चाहे आपका PC लैपटॉप हो, उसमें क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। उसके बाद में ये इस तरह का एक विंडो ओपन होगा, उसमें आपको ICA स्मार्ट ये सर्विस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में एक नया दूसरा विंडो और ओपन होगा। तो मैं अभी थोड़ा नेट स्लो आ रहा है, इस साइड भी थोड़ी बिजी चल रही है। ये देखिए, दूसरा विंडो ओपन हो गया है, ऐसा आपके सामने नज़र आएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए, थोड़ा आपको नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद में थोड़ा वापस ऊपर आना है, तो यहाँ देखिए ये पब्लिक सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में क्लिक करने के बाद में एक नया और आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको इसमें ये देखिए ब्राउज़र स्मार्ट सर्विस, बहुत सी सर्विस हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको देखो नज़र आ रहा है फाइल वैलिडिटी, इस फाइल वैलिडिटी पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस और खुलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं नीचे करता हूँ। यहाँ देखिए फाइल वैलिडिटी सर्च बाई, ये देखिए सर्च बाई फाइल्स नंबर, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में सर्च बाय टाइप, आप रेजिडेंस वीज़ा जो भी हैं इसमें आप सेलेक्ट करके टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इमरेस्ट यूनिफाइड नंबर, फाइल नंबर, आइडेंटिटी नंबर। तो सबसे सरल तरीका मैं यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन डाल के आपको मैं सर्च करके बता देता हूँ कि मतलब कि आपका फाइल स्टेटस कैसा यहाँ पे शो करता है। तो ये मैं अभी जो चेक कर रहा हूँ ये है आबू धाबी का वीज़ा है इनका, और इनका मैं चेक कर रहा हूँ क्या इनका स्टेटस शो कर रहा है। तो यहाँ मैं पासपोर्ट नंबर डाल दिया, और उसके बाद में पासपोर्ट में आपका नीचे एक्सपायरी डेट आएगा, आपका पासवर्ड कौन से ईयर, कौन से मंथ, कौन से डे को आपका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है। तो मैं इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में नेशनली आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कंट्री से हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जो भी हैं। तो मैं यहाँ इंडिया में इंडिया सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ, 205 नंबर लगाता हूँ तो इसमें इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आई एम नोट ए रोबोट पर आपको क्लिक करना है, इसमें प्लेम ट्री से यहाँ पर जो खजूर के पेड़ हैं इन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है, ये यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए नीचे आपका जो फाइल नंबर है, जो वीज़ा आपका लगा है वहाँ पे ये नंबर शो हो जाएगा, और फाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ देखिए ये फाइल स्टेटस से इनका एक्टिव शो कर रहा है कि इनका, चाहे वीज़ा एक्सपायर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फाइल स्टेटस एक्टिव शो कर रहा है तो ये जा सकता है। इसकी फाइल एक्सपायरी डेट है 1/2/2021 तक है, मतलब 2 जनवरी 2021 तक, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से जा सकता है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है उसका भी मैं थोड़ा आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट नंबर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मैंने चेंज कर लिए, और जो पासपोर्ट जो एक्सपायरी डेट है वो भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका 27 है अप्रैल 25,
15/4/2017। फिर आई एम नॉट ए रोबोट पे आपको फिर से क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्रॉस वॉक्स जो लिखा है, ये जो क्रॉस लाइन लाइन है वाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर वेरीफाई करना है, उसके बाद में सर्च पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये देखिए इनका ये फाइल नंबर आ गया और फाइल स्टेटस यहाँ पे इनका भी एक्टिव शो कर रहा है 22/9/2021 तक इनका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है। तो अगर इनका भी एक्टिवेट शो कर रहा है, चाहे वीज़ा एक्सपायर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी जा सकता है, कोई एनी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में दोस्तों मेरे पास बहुत से ऐसे दुबई जो रेजिडेंस वीज़ा है उनका ऑलरेडी कैंसिल बता रहा है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा इसमें सर्च करके बता देता हूँ कि यहाँ पे उनका ऑलरेडी कैंसिल शो कर रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं जा सकता। तो मैं इस पर एक बार फिर से ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद में यहाँ देखिए जो स्मार्ट सर्विस है, इसमें मैं पासपोर्ट नंबर वगैरह ये सब चेंज कर देता हूँ। मेरे एक ऑलरेडी 2-3 पैसेंजर है, उनका ऑलरेडी कैंसिल शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने उनके ये पासपोर्ट नंबर डाल दिए। पासपोर्ट नंबर, उसके बाद में पासपोर्ट एक्सपायरी डेट मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, उनका है 27/5/25। फिर वो ही इंडिया मेरे को सिलेक्ट करना है। फिर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। इसमें जो वर्ड्स हैं इन पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है वर्ड्स को। उसके बाद में वेरीफाई करना है, उसके बाद में सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए नीचे इनका फाइल स्टेटस ऑलरेडी कैंसिल बता रहा है, इसमें शो कर रहा है, और जो फाइल एक्सपायरी डेट है वो 31/12/2020 तक है। यानी कि इनका जो फाइल वैलिडिटी है वो तो बढ़ा दी, लेकिन इनका फाइल जो कैंसिलेशन है वो 24/8/2020 को या तो कंपनी ने या वहाँ की गवर्नमेंट ने इनका ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। तो अगर जिसका यहाँ पर जो कैंसिल शो हो रहा है या एक्सपायरी शो हो रहा है तो वो बिल्कुल नहीं जा सकता। उनको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है कि सर हमारा तो यहाँ पे कैंसिल एक्सपायरी शो करना है, तो वहीं से वो कोई मतलब कि राय मसला करके वो रिन्यू करते हैं या आपको आपका दूसरा वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो गाइस मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि अपना वीज़ा स्टेटस फाइल वैलिडिटी कैसे चेक करना है, तो आप ये स्टेप आपको फॉलो करना है और उस हिसाब से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। और आपको कैसे चेक करना है, मतलब कौन सी साइट पे जाना है, तो इसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। तो उस आप लिंक के द्वारा मतलब डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके अपना पासपोर्ट नंबर, एक्सपायर डेट ये सब डाल के अपना फाइल स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता देता ना चाहता हूँ दोस्तों, अभी देखिए किसी को भी जो अप्रूवल है, अप्रूवल की किसी को ज़रूरत नहीं। आप एयर अरेबिया में ट्रेवल कर सकते हैं। मैं एनी एयरपोर्ट की बात नहीं करूँगा, इंडिया में जो दिल्ली जो जयपुर एयरपोर्ट है, तो आपको दोनों एयरपोर्ट से शारजा आपको जाना है और आप आराम से जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बाय चांस अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले कुछ अगर कुछ दिक्कत बोलते हैं कि भाई आपके वीज़े में कुछ प्रॉब्लम है, बल्कि अप्रूवल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, GDRF अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो जो रेड सिग्नल है उसकी भी जो ग्रीन सिग्नल है उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट, कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको क्योंकि अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा तो रिस्क लेना ही होगा। मैं क्योंकि मेरे तो जो पैसेंजर थे ऑलरेडी निकल चुके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन क्या पता किसी को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना ही होगा। तो आप एयर अरेबिया का टिकट पकड़ के आराम से जा सकते हैं। ओनली आपको शारजा एयरपोर्ट पर ही लैंड होना है, उसके बाद में अपनी जो भी टैक्सी वगैरह, अपनी कंपनी की गाड़ी, जो भी अपना जुगाड़ हो वहाँ पर, उस हिसाब से अपने कैंपस से जो भी अपना रूम है कंपनी है वहाँ आप जा सकते हैं। तो गैस मैंने वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी थी कि कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे हम लोग फाइल वैलिडिटी कैसे चेक करें, तो ये भी मैंने ऑलरेडी लाइव डेमो के साथ आपको बता दिया है। ऐसे अपनी फाइल वैलिडिटी इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं और आप अपना वीज़ा स्टेटस वो देख सकते हैं, एक्टिव शो कर रहा है, कैंसिल है, एक्सपायर है। तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, इससे पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज के लिए काफ़ी बस इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।